92.7 Big FM पर Big Heroes. Big Heroes. Big Hero वो नहीं होते जिनका अगर कोई सपना पूरा ना हो पाए तो सारी जिंदगी उसी सपने के पूरा ना होने का दुख मनाते रहें. Big Hero वो होते हैं जो अपना सपना पूरा ना हो पाने पर बहुत सी दूसरी आंखों का वही सपना पूरा करने की कोशिश करते हैं. बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग हीरोज. मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और आज जो मेरे बिग हीरो हैं उनका नाम है अजय बहादुर सिंह. भुवनेश्वर में रहते हैं और जो काम वो करते हैं उसका नाम उन्होंने रखा है जिंदगी. क्या है जिंदगी, किसको दे रहे हैं वो नई जिंदगी, आइए उन्हीं से जानते हैं. अजय बहादुर सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है आपका बिग हीरोज में. धन्यवाद. सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जिंदगी बड़ा खूबसूरत नाम आपने रखा है लेकिन इसके तहत आप क्या करते हैं. जिंदगी के तहत मैं जिंदगी बनाने वाले लोगों को पैदा करने का काम कर रहा हूँ और जिंदगी देने वाले डॉक्टर ही होते हैं जिसे मैं हम लोग कहते हैं ना दूसरा भगवान है. लेकिन कभी कभी मुझे दुख होता है कि ये डॉक्टर भी बहुत पेशेवर हो गए हैं और तब मुझे लगा कि नहीं, हमें कुछ ऐसे नेक डॉक्टर बनाने चाहिए जो सचमुच गरीबों को लाचार बेबस लोगों का सेवा भी कर पाए. और इसी सोच के साथ मैंने डॉक्टर बनाने की ठान ली और अब मैं वैसे गरीब गरीब बच्चों को चुन करके डॉक्टर बनाने की कोशिश करता हूं जिन्होंने अपनी गरीबी देखी है और वही बच्चे को मैं हमेशा शिक्षा देता रहता हूं कि डॉक्टर के साथ साथ एक नेक इंसान भी बनना चाहिए और आपको जिस तरीके से किसी ने मदद किया है उसी तरीके से लाचार और बेबस को आप भी मदद करें. तो आज मेरे सिलसिला डॉक्टर बनाने की शुरू हो गई. करीब करीब अभी तक 22-24 बच्चे हमारे डॉक्टर बन चुके हैं, एम्स तक पहुंच चुके हैं और सबसे अच्छे तरीके से सुनियोजित तरीके से इस बार हमने स्टार्ट किया 2017 में. क्योंकि जब आनंद जी हमारे जीवन में मिले और उनसे सुपर 30 की बहुत सारी कहानियां सुनता था मैं, उनके बताए हुए रास्तों पर भी मैंने चला, उसको प्रयोग में लाया और आज मुझे खुशी है कि 18 बच्चे हमारे मेडिकल में क्वालिफाई कर गए जहां पर मैं 20 बच्चों को ही पढ़ा रहा था. 20 में से 18 बच्चे. अरे वाह, ये बच्चे आप तक कैसे पहुंचते हैं? हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. पहला तो हम लोग ये मैसेज देते रहते हैं लोगों को कि हम इस तरीके का कार्यक्रम कर रहे हैं. और जैसा मैंने कहा कि पहले भी हम कुछ बच्चों को बनाते जा रहे थे, 2-4, 1-2, 3-4 ऐसे बच्चे बन रहे थे. तो मैसेज मार्केट में जा रहा था और हम लोग भी ढूंढते रहते हैं, सर्च करते रहते हैं कौन सा वैसा परिवार के बच्चों को लाए जिसको जिसका जीवन हम बना पाए और फिर वो समाज को बना पाए. जी, तो बिल्कुल निःशुल्क आप पढ़ाते हैं उनका रहना, जैसे सुपर 30 के आपने जिक्र किया आनंद जी का, वो एक बार जब बच्चों को अपना लेते हैं तो फिर सारा खर्चा उस बच्चे का जब तक वो IIT की तैयारी करता है तो वही संभालते हैं. बिल्कुल, ये सारे चीज को भी हम लोगों ने उसी तरीके से रखा है जिस तरीके से सुपर 30 में किया जाता है, बच्चों का रहना, खाना पीना, इवन की कॉपी किताब, ये कोचिंग एजुकेशन सब चीजों को मुफ्त में हम प्रदान करते हैं और बच्चों के साथ दिन रात मेहनत करके उसको सक्सेस करते हैं. तो अजय बहादुर सिंह जी बहुत सारे गरीब बच्चों को चुनकर उनकी जिंदगी बदलकर उन्हें ऐसा डॉक्टर बनाने की कोशिश करते हैं जो दूसरे बहुत सारे लोगों को एक नई जिंदगी दे. इस सफर की शुरुआत कब और कैसे हुई पूछूंगी अजय बहादुर सिंह से. बस कुछ देर में सुनते रहिए बिग एफएम पर बिग हीरोज. मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध. 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज. 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज. बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग हीरोज. मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और आज मेरे बिग हीरो हैं भुवनेश्वर के रहने वाले अजय बहादुर सिंह जिनका जिंदगी अभियान बहुत सारे गरीब बच्चों को एक नई जिंदगी दे रहा है, उन्हें डॉक्टर बना रहा है ताकि वो बच्चे आगे चलकर बहुत सारे और लोगों की जिंदगी बचाने का काम कर सकें. पिछले कुछ सालों से अजय बहादुर सिंह एक छोटे स्तर पर ये काम कर ही रहे थे लेकिन फिर उनकी मुलाकात हुई पटना के सुपर 30 के सुपर गुरु आनंद कुमार से और आनंद ने उन्हें एक ऐसा रास्ता दिखाया जिसके बाद इस साल अजय बहादुर सिंह के इस अभियान के जरिए 18 बच्चों ने मेडिकल एंट्रेंस क्लियर किया. तो अजय जी, आपने कहा कि इस नेक काम की शुरुआत तो पहले से हो चुकी थी, तो देखिए बेसिकली बचपन में हमारे फादर मुझे चाहते थे कि मुझे डॉक्टर बनाना है लेकिन उनकी बीमारी के वजह से हमको डॉक्टर बनाने के पहले वो पेशेंट बन गए
और इतनी लंबी उनका चला कि उनके इलाज में सब कुछ बिक गया, मैं डॉक्टर बिल्कुल नहीं बन पाया, वो एक सपना का सपना ही रह गया। और जब धीरे धीरे संघर्ष के साथ हम आगे बढ़े और लड़ते रहे, और साथ में फिर हम लोग, हमने अपनी करियर की शुरुआत करी चाय बेच करके, शरबत बेच करके, घर घर ट्यूशन पढ़ा करके, सोडा मेकर मशीन डोर टू डोर बेच बेच करके, फिर हमने धीरे धीरे ग्रुप ट्यूशन में चला गया। तो ये सब करते करते हम अपने करियर को और घर की स्थिति को ठीक संभालते गए। तो अब धीरे 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 हम बढ़ते चले गए, और फिर जब मुझे ऐसा लगा कि हम डॉक्टर नहीं बन पाए, लेकिन मेरी भी जिम्मेवारी है कि समाज में मेरे जैसे वैसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पैसों के अभाव में नहीं पढ़ पाते, उनकी उनका जो पारिवारिक हालात है वो उसको पढ़ने नहीं देता, वैसे बच्चों को मदद किया जाए। और इसी सोच के साथ हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत करी, और आज जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा से ये प्रोग्राम काफी सफल हो रहा है। एकदम पहला बच्चा या बिल्कुल शुरुआत कुछ याद है आपको? बिल्कुल, पहला बच्चा और बिल्कुल शुरुआत वो मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से याद है। मुझे मालूम है कि 2010 में जब मैंने स्टार्ट किया था तो 11 बच्चों को पढ़ाया था, और 11 बच्चे में से 4 बच्चे कम्पीट कर गए थे, और पहला ही बच्चा मेरा जो था वो एम्स में चला गया था मेडिकल में, और 3 बच्चे हमारे IIT में कम्पीट कर गए, और कुछ बच्चे NITs में चले गए। तो उस टाइम में मैं इंजीनियरिंग मेडिकल सब कुछ करके तैयारी करा रहा था, और वो सारे बच्चों के चेहरे मेरे अंदर अभी भी घूमते हैं, और खुशी की बात है कि वो भी हमारे कॉन्टैक्ट्स में। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे यकीन है कि जिन बच्चों को इस तरह से नई जिंदगी मिलती है वो आपसे संपर्क तोड़ना भी नहीं चाहेंगे। मैं चाहूंगी कि अजय बहादुर सिंह जी आज एक दो ऐसी कहानियां, ऐसे बच्चों की कहानियां हमारे साथ शेयर करें जिनकी जिंदगी इन्होंने अपने जिंदगी अभियान के जरिए बदली है। सुनते रहिए बिग FM पर बिग हीरोज, मैं हूं आपके साथ रिचा नेहरू। 92.7 बिग FM पर बिग हीरोज, 92.7 Big FM पर Big Heroes, Big Heroes। Big FM पर आप सुन रहे हैं हमारा खास शो Big Heroes। मैं हूं आपके साथ रिचा नेहरू, और आज मेरे Big Hero हैं भुवनेश्वर के अजय बहादुर सिंह जी, जो कि उन बच्चों का हाथ थामते हैं जिनके पास मेडिकल कोचिंग की महंगी महंगी फीस भरने के पैसे नहीं होते। अजय जी उन्हें निशुल्क पढ़ाते हैं और मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कराते हैं। अजय जी, आज एक दो बच्चों की कोई कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे जिनकी जिंदगी बदल गई आपकी वजह से? सबसे दिल को दहलाने वाला और सबसे ज्यादा मुझे खुश करने वाला ये कहानी है कि लास्ट ईयर 2017 में मैं जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करके पूरी में बाहर निकल रहा था, तो एक छोटी सी बच्ची वो माला बद्धी जो हुआ करता है मंदिर का वो बेच रही थी, साथ में एक हाथ में किताब भी रखी थी। उसने बोला ले लो माला, ले लो, आप ले लोगे इससे जो पैसे आएंगे मैं तुरंत इससे खाना खा लूंगा और पढ़ने चली जाऊंगी। तो तब फिर मैं उसके साथ डिटेल में डिस्कशन किया, तो उसने सारी कहानी बताई। उसके फादर उसी मंदिर के सामने में वो माला बद्दी और छोटा छोटा कैलेंडर पोस्टर वगैरह वगैरह बेचा करते थे। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है, मैं तो बस खाना खाने के लिए ये पैसे निकाल लेती हूँ और यहाँ से पैसे मिलता है और मैं दिन रात पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। तो उसका विल पावर जो मैंने देखा कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे डॉक्टर ही बनना है। तो मैंने कहा कि बेटा ऐसा करो, आप यदि डॉक्टर बनना चाहते हो तो मैं आपको सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। और वो मेरे आप भी रोंग को खड़ा कर देने वाला होता है कि वो लड़की को जब मैंने बुलाया उसकी माँ भी उनके साथ आई और जो दोनों रो रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। और सबसे अच्छा दिन वो था मेरे लिए जब वो इस बार मेडिकल कंप्लीट कर गई और उसकी माँ का रोना और आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहा था। उसका कहना था कि आप ही सब कुछ हो, मेरा भगवान तो आप ही, आपने मेरे बेटी को बना दिया, डॉक्टर बन गया, इसको लोग पढ़ने के लिए नहीं बोलता था, वो कहता था पागल है ये लड़की, अरे बाप को खिलाने के लिए पैसे नहीं है, ये डॉक्टर बनना चाहती है। ये लड़की का नाम था ट्विंकल साहू, और मैं मेडिकल में जाने के बावजूद भी उसको मदद कर रहा हूँ कि वो डॉक्टर किसी तरह से, पढ़ाई में भी उसको कोई दिक्कत आए तो मैं उसको मदद करता थी। दूसरा बच्चा है संतोष नाहर, इसके फादर खेतों में मजदूरी का काम किया करते थे और परिवार को चलाते थे। ये बच्चा भी अपना पढ़ाई कर रहा था, ठीक है, 12th पास किया तो इसके फादर को कुछ ही महीने के बाद पैरालिसिस हो गया। अब पैरालिसिस हो गया तो एकमात्र सहारा वही था परिवार को चलाने वाला, अब ये परेशानी संतोष नाहक के कंधों पे आ गई।
फिर उसने घर घर जाकर के ट्यूशन किया, गांव में ही ट्यूशन करता था, वहां से भी कुछ पैसे आते थे। लेकिन उसने कहा कि ठीक है मैं तो इलाज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं डॉक्टर बनकर के इनका इलाज करूंगा। लेकिन हालात उसे पढ़ने नहीं दे रहा था। फिर उसे कैसे पता चला कि कोई अजय बहादुर सिंह नाम का आदमी भुवनेश्वर में है जो जिंदगी प्रोग्राम चलाते हैं, वहां पर बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं। तो वो ढूंढते हुए मेरे पास पहुंचा और उसने सारी कहानी अपना बयां करी। तो वो लड़के को भी मैंने रखा, उसको भी रहना खाना पीना सब कुछ अरेंज किया और पढ़ाई किया, वो भी बच्चे इस पर डॉक्टर बन गए। अब उसकी जो खुशी है कि सर अब मैं अपने फादर को ठीक करा पाऊंगा, शायद अब मेरे फादर बोल लेंगे, अब मेरे फादर चल लेंगे जो सालों से खाट पर हैं और अभी तक भी खाट पर। तो ये सारी जो कहानियां हैं वो रोगों को खड़े कर देने वाली है, और मुझे लगता है कि जीवन में इससे बड़ा सुख और इससे बड़ा शांति शायद कहीं नहीं। यही वो कहानियां होती हैं जो हमें हिम्मत देती हैं कि चलो तमाम मुश्किलें हों लेकिन ये अपने काम पर अपने मकसद पर डटे रहना चाहिए। निश्चित रूप से अगर किसी और बच्चे को ये हिम्मत चाहिए तो कैसे अजय बहादुर सिंह जी से संपर्क हो बताती हूँ आपको। अब से उस कुछ देर में सुनते रहिए बिग एफएम पर बिग हीरोज़। मैं हूँ रिचा नेहरू। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज़। 92.7 बिग एफएम पर Big Heroes, Big Heroes। भुवनेश्वर में रहने वाले एक इंसान ने एक जिम्मा उठाया है बहुत सारे गरीब बच्चों की जिंदगी बदलने का। कैसे? उन्हें पढ़ाकर, मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कराकर, और उनमें से जो होनहार बच्चे उस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर लें उन्हें डॉक्टर बनता देखकर। और ये बेहतरीन इंसान आज है हमारे बिग हीरो। बिग एफएम के हमारे खास शो बिग हीरोज में मैं हूँ आपके साथ रिचा अनुरोध, और हमारे बिग हीरो का नाम है अजय बहादुर सिंह, जिनका खुद डॉक्टर बनने का सपना जब पूरा नहीं हो पाया तो उन्होंने ठान लिया कि कुछ और बच्चों को डॉक्टर बनाकर वो अपना सपना पूरा करेंगे, और उन्हें इस काम में गाइड किया पटना के सुपर 30 के सुपर गुरु आनंद कुमार ने। अजय जी, किस तरह से आप चाहेंगे कि लोग आपकी मदद करें, या अगर आप चाहते हैं कि भाई कहीं कोई बच्चा ऐसा सुन रहा हो जो डॉक्टर बनना चाहता हो और जिसके पास कोचिंग के पैसे नहीं हो, आप तक कैसे पहुंचे? मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा लोगों को कि वो अपनी आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें, और बच्चों को, जिन बच्चों को आपकी मैसेज जा रही है, लोगों की मैसेज जा रही है, वो बच्चे हमारे पास जरूर संपर्क करें, और आ करके यदि वो सारे तरीके से क्वालिफाई कर जाते हैं, उनकी जो पॉवर्टी लेवल है मेजर हम लोग वही चेक कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही गरीब से गरीब बच्चों को हम ला रहे हैं, तो वो ज़्यादा खुशियाँ मिल रही है। और मैं कहूँगा कि निश्चित रूप से आपके द्वारा जो बच्चे के पास मैसेज जा रहा है वो बच्चे हमारे पास संपर्क करें, और हम उसे मैक्सिमम अपना बेस्ट एफर्ट देने की कोशिश करेंगे, और आगे और भी ज्यादा बच्चों की संख्या बढ़ाने का भी काम करेंगे। तो आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स बता दें अगर आप। मेरा एक नंबर है 9337355841। एक बार 9337355841, इसमें बच्चे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद तो जगन्नाथ धाम में मैं रहता हूँ, भुवनेश्वर टेंपल सिटी के नाम से जाना जाता है, और वहाँ आ जाएंगे तो हमें लोग ढूंढ ही लेंगे। चलिए, तो जिसको ढूंढना होगा वो अजय बहादुर सिंह जी को भुवनेश्वर जाके ढूंढ ही लेगा और अपना सपना पूरा कर ही लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजय बहादुर सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ आप रिचा अनुरोध को आज इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक और बिग हीरो की बिग इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज़।